हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो में हम लोग आज आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार दूसरे वनडे में क्या हो सकते हैं, भारतीय टीम में वो बदलाव जिसकी वजह से हमें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 बदली हुई सी नजर आ सकती है। तो दोस्तों पहले बदलाव की अगर बात कर लेते तो यहाँ पे पिछले मैच में आपको पता होगा कि रोहित शर्मा की कोहनी में चोट लगी थी, जिसकी वजह से दोस्तों यह रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि बाकी बचे दोनों मुकाबले में रोहित शर्मा टीम से बाहर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है कि बाकी बचे दोनों वनडे मुकाबलों में से रोहित शर्मा बाहर हो सकते हैं। माई 11 सर्कल के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार ये ऐप है जहाँ पे भारत और इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के ऊपर आप अपनी टीम बना के चैंपियन प्लेयर लाइक वीवीएक्स लक्ष्मण के साथ खेल के आप अपने पैसे का 5 गुना अमाउंट यहाँ से विन कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप की लिंक आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा कैश मिलने वाला है अपने पहले डिपॉजिट के ऊपर, और 1500 रुपये तक का बोनस भी आपको इस ऐप में साइनअप करने के साथ ही मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है मार्च का लीडर बोर्ड, जिसमें अगर आप टॉप आते हैं तो आपको 1 करोड़ का कैश प्राइज भी मिल सकता है। दिस गेम इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एट योर ओन रिस्क। तो दोस्तों अब हम लोग बताते हैं कि आखिरकार रोहित शर्मा की जगह कौन ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे रोहित शर्मा की जगह लेते हुए हमें सूर्य कुमार यादव नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, T20 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव, यानी कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें रोहित शर्मा की जगह सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आने वाले है। दूसरे अगर बदलाव की बात करें दोस्तों तो ये बदलाव तो लगभग 100% होना तय है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर जो है वो पूरी तरीके से सीरीज से बाहर हो चुके हैं और आईपीएल से भी फर्स्ट हाफ ऑफ आईपीएल मिस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे श्रेयस अय्यर की जगह हमें ऋषभ पंत, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, जो कि विकेट कीपिंग भी करने वाले है दूसरे वनडे में, और केएल राहुल हमें फील्डिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत जो है वो एक प्रॉपर विकेट कीपर है और वो फील्डिंग में ज्यादातर नजर नहीं आते, जिसकी वजह से ऋषभ पंत हमें श्रेयस अय्यर की जगह पे खेलते हुए नजर आने वाले है। तो फ्रेंड्स वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये दोनों बदलाव से आप संतुष्ट हैं, या फिर आपकी राय में भारतीय टीम को रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की जगह कोई और दो खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। आप अपनी राय वीडियो के कमेंट में देना ना भूले, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।